इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एकेडमिक कैलेंडर 2023-24 जो आयुष कोर्सेज के लिए आया है, यानी BAMS, BUMS और BHMS के लिए। जैसे पहले भी काफ़ी वीडियोस में पहली स्टूडेंट की रही थी कि एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए कि कब तक शुरू होगी। मैंने बताया था कि जो सेकेंड राउंड है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑल इंडिया प्लस स्टेट दोनों के, कम से कम दो दो राउंड जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक नहीं होगा, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है रिगार्डिंग जो भी डेट्स हैं, कब से कॉलेज स्टार्ट होगा, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट ये जान लें, जो ऑफिशियल अथॉरिटी है जो इसको निकालती है वो है NCH, यानी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, जो होम्योपैथी के कॉलेजेस यानी BHMS के कॉलेजेस की देखरेख करती है, और दूसरी होती है NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो BAMS और BUMS, BSMS के कॉलेजेस की देखरेख करती है, उनको परमिशन देना और एग्ज़ाम वगैरह कब कराने हैं, कब छुट्टियाँ रखनी है, वो सारी चीज़ें सेम उसी तरह से जिस तरह से NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि देखरेख करती है मेडिकल कॉलेजेस यानी MBBS और BDS के कॉलेजेस की, उसी तरह से यहाँ पर आयुष कोर्सेज के लिए NCH और NCISM दोनों एसोसिएशन में आके जो है रेगुलेट करती हैं आयुष के कोर्सेज की डेट्स को लेकर और कब से कमेंसमेंट होगा एग्जाम्स का, क्लासेस का, वो सारी चीज़ें। तो सभी स्टूडेंट अब एडमिशन जो ले लिए अगले 5 साल आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली देखना पड़ेगा ताकि जो भी अपडेट है आपको मिल जाए। अदरवाइज तो कॉलेज में जो अपडेट्स हैं वो पहुँचती रहती हैं, तो उसके लिए आपको इसको देखने की हालांकि ज़रूरत है नहीं। तो लेकिन अगर किसी भी चीज़ को आपको वेरीफाई करना है तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। जैसे यहाँ पर जो प्रेस रिलीज है इसमें आपको अलग अलग नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करेंगे। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे एडमिशन के वो भी इसी में आए थे, कब आपके अलग अलग राउंड की काउंसलिंग की डेट है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन एंड कमेंसमेंट इनटू BHMS कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन, तो यहाँ पर क्योंकि NCH नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने निकाला इसको, और ये दोनों के लिए वैलिड रहेगा, यानी BAMS, BUMS और BHMS सभी कोर्सेज के लिए। और ये जो निकाला गया नोटिफिकेशन 18 सितंबर को निकाला गया था, और इसमें जो अलग अलग डेट्स हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये नोटिफिकेशन में डेट दे रखी है आपको, जो एडमिशन की लास्ट डेट है उसमें जो स्टूडेंट का डाटा है कब कब दिया जाएगा, हालांकि ये प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था उसी के हिसाब से है। अभी जो नया है आपके लिए वो इसमें क्या है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, वो मेन चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 2, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर होम्योपैथी सिस्टम फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 शैल बी 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर 2023 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इन कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं उनकी क्लासेस कब से होंगी, 1 नवंबर से, तो सभी स्टूडेंट अपने हिसाब से तैयारी कर लें, बुक्स वगैरह लेना, सामान वगैरह पैक करना, बाकी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। और एक और चीज़ जो लोग अब फाइनली मतलब तैयारी नहीं कर रहे हैं नीट की, वो इस टाइम में जब तक 1 नवंबर का टाइम अपना इन्जॉय कर लो सही से, क्योंकि फिर जितना अच्छे से जाकर कॉलेज में पढ़ोगे वो इतना बेटर रहेगा। और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये बीच का जो टाइम है ये काफ़ी क्रूशियल है, इसमें पूरी दबा के मेहनत करो, क्योंकि जब कॉलेज जाओगे तो उस टाइम पर भी आपको जो है बहुत कम टाइम मिलेगा नीट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एडमिशन लेने के साथ ही अपनी नीट की प्रिपरेशन 2024 के लिए कर रहे होंगे। और अगर शुरू में कुछ दिन लेट भी जाएंगे, 10-15 दिन तक कोई डिले की बात नहीं है, कोई देर की उसकी चिंता की बात नहीं, तो आप अपनी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा डिले भी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। कॉलेज में जाकर एक दो बार देखाना और फिर उसके बाद अपनी तैयारी करते रहना, बाकी ऐसा नहीं कि कंप्लीटली कॉलेज छोड़ देंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली सभी स्टूडेंट अपना अपना देख लेना। तो क्लासेस की बात थी सबसे पहले कि 1 नवंबर 2023 से आपकी जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो रही है, सभी स्टूडेंट अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाएं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।